वालेकुम। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इजी रेसिपी में। आज हम बनाने जाएंगे रशियन कटलेट। रशियन कटलेट ये हम भटियारा स्टाइल में बनाएंगे। आप चाहे तो कोई भी फंक्शन में इसे बना सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही इजी है। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ हम चलते हैं। ये हमने 1/2 kg चिकन लिया है, इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। और ये बिगर हड्डी वाला चिकन है, आप अपने हिसाब से चिकन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये बिगर हड्डी वाला चिकन है। और हमने 2 आलू लिए हैं, इसे भी बॉईल करके रख लिया है। ये देखिए, हमने थोड़े से धनिया लिए हैं, इसे भी चॉप कर लिया है। और ये 1 tablespoon हमने डार्क सोया सॉस लिया है। 2 tablespoon हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 2 tablespoon हमने हरी मिर्ची का पेस्ट लिया है। थोड़े से हरी प्याज है उसकी, और थोड़े से गाजर है, इसे भी कद्दूकश कर लिया है। और ये थोड़े से वटाने हैं। और ये 2 tablespoon कस्तूरी मेथी है। और ये 2 अंडे हैं। और ये 1 tablespoon काली मिरी पाउडर है। 1 tablespoon गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 tablespoon ज़ीरा और 1 tablespoon चाट मसाला। और ये हमने कच्ची सेवइयाँ लिए हैं। देखिए, अभी हम इसे बॉईल करेंगे चिकन को। चिकन को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। और ये हम बिगर हड्डी वाला चिकन लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट। और 1 tablespoon हरी मिर्ची का पेस्ट। और हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लेंगे। अब हम इसमें 1/2 cup पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और अब हम इसे ढककर 3 से 4 सीटी लेंगे, जब तक हमारा चिकन बॉईल नहीं हो जाता, जब तक हम इसमें सीटी ले लेंगे। ज़्यादा नहीं लेना, 3 से 4 सीटी बस हो गया। देखिए, हमारा चिकन बॉईल हो चुका है। देखिए, अब हम इसे इसके पीसेस ऐसे छोटे छोटे बारीक पीसेस कर लेंगे हाथ से सब मैश करके। आप चाहे तो स्पून की मदद से भी इसे मैश कर सकते हैं। हाथों से ज़्यादा अच्छे से मैश हो जाता है ये। देखिए, ये हमारा चिकन मैश हो चुका है। और ये हमने हरे वटाने को भी बॉईल कर लिया था, ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे गाजर। ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे हमने अच्छे से कद्दूकश कर लिया है। और हम इसमें ऐड करेंगे हमारी हरी प्याज, इसे भी अच्छे से चॉप कर लिया था, इसे भी हम ऐड कर लेंगे। और ये हमारे आलू, इसे भी हमने बॉईल करके रख लिया था, इसे हम हाथों की मदद से मैश कर लेंगे। देखिए, हमारे आलू मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे हरे धनिए, कस्तूरी मेथी, ये डार्क सोया सॉस भी इसमें ऐड कर देंगे। और ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने 1 tablespoon बचा के रखा था, ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। और ये हरी मिर्ची का पेस्ट भी इसमें ऐड कर देंगे। देखिए, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये ज़ीरा। आप चाहिए तो ज़ीरे का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये काली मिरी पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा गरम मसाला पाउडर। और ये चाट मसाला पाउडर। और ये नींबू का रस, ये अक्खा नींबू है, इसका रस हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहिए तो अपने हाथों की मदद से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। और मिक्स करने से पहले ही आप इसमें चेक कर लीजिए नमक है क्या नहीं। मेरे मिक्सर में नमक थोड़ा कम लग रहा था, तो मैं अब देखो 1/2 tablespoon नमक ऐड करूँगी। आप पहले चेक कर लीजिए नमक है क्या नहीं, इसके बाद आप नमक इसमें ऐड करना। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें ऐड करेंगे नमक। और ये हमने 2 बड़े चम्मच तेल लिए थे, ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल इसके लिए मिक्स करना है क्योंकि फिर आपको इसके गोल गोल ऐसे पेड़े बनाने आसानी हो जाएगा।
देखिए अब हम ये दो अंडे इसमें फोड़ लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी काली मिरी पाउडर। ये हमने थोड़ा से बचा कर रख लिया था काली मिरी पाउडर, हाफ टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, और ये थोड़ी कस्तूरी मेथी, ये भी हमने बचा के रख दिए थे साइड में, और ये थोड़े से धनिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा नमक, एक चुटकी नमक ऐड करेंगे इसमें, अच्छे से इसे फेंट लेंगे। देखिए हमारी ये सेवई को हम अच्छे से इसे बारीक बारीक टुकड़े कर लेंगे, अच्छे से मैश कर लेंगे इसे अपने हाथों की मदद से। सेवई अच्छी बारीक हो चुकी है, देखिए इसी तरह हमें सेवई चाहिए। देखिए हम ये ऐसा तेल हाथों में लगा लेंगे और ये पेड़े हम इसमें हाथों में लेके इसका टिकलियों का शेप दे देंगे इसे। आप चाहे तो ऐसा गोल भी यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। हम ऐसा टिकलियों का शेप दे देंगे इसमें और पूरे हम रेडी कर लेंगे पहले हाथों में तेल लगा लगा के। देखिए इसी तरह हाथों में तेल लगाना है, ऐसे ऐसे शेप दे देना है टिकलियों का। देखिए हमने ये सब टिकलियाँ रेडी करके रख लिया है पहले ही। अब हम इसे अंडे में ऐसा डीप कर लेंगे और ध्यान से हमें इसे डीप करना है, नहीं तो हमारी टिकलियाँ टूटने का डर रहेगा हमें। देखिए इस तरह से हम इसे डीप कर लेंगे और ये सेवई जो हमने तैयार करके रखे थे इसे ऊपर ऐसा लगा देंगे, ऊपर नीचे से लगा देंगे। देखिए इसी तरह हमें तैयार करना है। देखिए हमने तेल गरम करने रखा है गैस पे। देखिए हमें गैस को मीडियम फ्लेम पे रखना है, हाई पे नहीं रखना है हमें, और हमारा तेल भी ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। और अभी हम इसमें छोड़ देंगे एक एक कटलेट। अगर हम गैस फास्ट रखेंगे तो हमारी सेवई ऊपर से तो जल जाएंगी मगर अंदर से हमारे कटलेट कच्चे कच्चे ही रह जाएंगे। इसके लिए हमें गैस को मीडियम फ्लेम पर रख के ही इसे पकाना है। देखिए एक साइड का हमारा ही कुक हो चुका है, अभी हम हल्के हाथों से इसे पलटी कर लेंगे। ऐसे ध्यान से हमें पलटी करना है, बार बार इसे ऊपर नीचे नहीं करना है, बस हल्के हाथों से एक बार ऊपर एक बार नीचे ऐसा कर लेना है, पलटी कर लेना है आगे पीछे। देखिए हमारी कटलेट बनके एकदम रेडी है, अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। देखिए रशियन कटलेट बनके एकदम रेडी है, दिख रहा है ना एकदम शादी वाला भटियारा स्टाइल में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन का भी बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।